हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं कढ़ी, वेज कढ़ी। इसके लिए हमने यहाँ पे ले लिया है गाजर, बीन्स और प्याज को बारीक चॉप करके ले लिया, और ये पत्ता गोभी, इसको भी हमने बारीक चॉप करके ले लिया है। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे, डाल देंगे नमक, इसमें स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, डालेंगे हल्दी पाउडर और डालेंगे लाल मिर्च पाउडर और डालेंगे कुछ कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते को हम तोड़ करके डालेंगे इस तरह से। अब हम इसमें डालेंगे बेसन, 4-5 चम्मच हम इसमें बेसन डालेंगे। बेसन से इसका बाइंडिंग आएगा, चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अगर लगेगा तो हम बाद में इसमें थोड़ा सा पानी डाल के सब कड़ी बना लेंगे। पहले हम पानी नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें जो सब्जियां हैं ये भी पानी छोड़ेंगी। मिला करके हम इसको जो है 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, तो ये अपना सब्जी अपना पानी छोड़ देंगी। तो हमने मिला लिया है, अब इसको हम इसको 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे ताकि सब्जी अपनी जो है पानी छोड़ दे। तो चलिए मिलते हैं 5 मिनट बाद। तो फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं हम अपने बैटर को कहाँ तक तैयार हुआ है। ये देखिए, ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया है, इसमें थोड़ा सा बेसन हमको और चाहिए होगा, थोड़ा बेसन और हम इसमें डाल लेंगे। 2 चम्मच बेसन हम इसमें और डालेंगे और इसको अच्छे से और मिला लेंगे इसको। हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर जितना पानी हम इसमें डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो चलिए इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बैटर हमारा तैयार है। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा लेके हाथ में थोड़ा पानी लगा करके छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से हम इसके बॉल्स तैयार कर लेंगे। चलिए सभी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सारे पकौड़ियों को हमने इस तरह से गोल गोल तैयार कर लिया है। चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई हमने चढ़ा दिया, इस पर डाल देंगे हम तेल और यह हम सरसों के तेल में बनाएंगे। तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम अपनी पकौड़ियाँ फ्राई कर लेंगे। तरह से पकौड़ियों को हम पलट पलट कर इसको पका लेंगे। पकौड़ियों को हम गोल्डन ब्राउन करके इनको निकाल लेंगे। तो देखिए, पकौड़ियाँ हमारे गोल्डन हो चुकी हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और बाकी के पकौड़ियों को भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो जब तक हमारा पकौड़ियाँ फ्राई होता है तब तक हम बेसन का एक घोल बना लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे 2-3 चम्मच बेसन ले लेंगे। और डालेंगे इसमें नमक। नमक हम अभी थोड़ा कम ही डालेंगे, बाद में चेक करके इसके बाद नमक थोड़ा और हम डाल देंगे। इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर थोड़ा सा, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, ये दही है इसको हमने फेंट करके ले लिया है। अब हम इन सारे चीज़ों को अच्छे से पानी डालते हुए धीरे धीरे इसको मिलाकर इसका एक घोल बना लेंगे। इसमें लम्स ना रहे, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी मिलाएंगे और इसका पतला सा घोल बनाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने इसको अच्छे से घोल लिया है। अब इसमें पानी डाल के इसको पतला सा घोल बना लेंगे। इसका हमें जितना ज़रूरत है इसको और पतला कर लेंगे हम। तो देखिए, हमने इतना पतला सा घोल तैयार कर लिया है।
तो चलिए अब कढ़ी को छौंका लगाते हैं। तो छौंकने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, इसमें डाल देंगे दो सूखी मिर्च, इसमें डाल देंगे हम कड़ी पत्ता और इसमें डालेंगे जीरा और सरसों, इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे। छौंका हमारा तैयार है, इसमें हम अपना ये जो घोल बनाए थे बेसन का इसको डाल देंगे। और इसको मिलाते हुए इसको धीरे धीरे पका लेंगे। इसको हिलाते हुए हम इसको पका लेंगे, अगर हम इसे छोड़ देंगे तो नीचे लग सकता है, इसीलिए हम इसे हिलाते रहेंगे। और इसमें एक उबाला आने देंगे, इसके बाद हम अपनी पकौड़ियाँ डाल देंगे। देखिए हमारे पकौड़ियाँ कितना अच्छा बन करके तैयार हुआ है। तो चलिए इसमें एक उबाला आने देते हैं। तो कढ़ी में हमारा उबाला आ चुका है, इसको हम थोड़ी देर और धीरे धीरे पकाएंगे, इसके बाद हम इसमें अपने बड़ियाँ जो है इसमें डाल देंगे। तो हमने 2-3 मिनट और इसको पका लिया है, और हमने बीच में से चेक किया था नमक थोड़ा सा कम था, तो इसमें थोड़ा सा नमक हम और डाल देंगे। और अब हम इसमें अपनी पकौड़ियाँ जो है डाल देंगे। पकौड़ियाँ डाल करके हम 2-3 मिनट और इनको धीमी आंच पर पकाएंगे। धीमी आंच पर इनको हम और 2-3 मिनट पकाएंगे। तो फ्रेंड्स करी हमारा लगभग तैयार है, इनको हम इसी तरह हिलाते हुए कम से कम 4-5 मिनट और पका लेंगे। ग्रेवी हम ज़्यादा सुखाएंगे नहीं, ये थोड़ा ठंडा होने के बाद ये गाढ़ा हो जाएगा, इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। कढ़ी हमारा तैयार है, देखिए कढ़ी हमारा पक चुका है, इसलिए जितने भी हमारे पकौड़ियाँ हैं ये ऊपर तैर रही हैं। देखिए कढ़ी हमारा तैयार है, चलिए इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए कढ़ी हमारा बिल्कुल तैयार है, इसको गरम गरम चावल के साथ खाइए, ये बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर से कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।